आइए दोस्तों देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन 2 सेकंड में कैसे बनेगा। तो आइए पहले ये जानना है कि डीएक्स अपॉन एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी का फॉर्म रहता है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को बनाने में आपको समय काफी लगता होगा, लेकिन हम लोग मिलकर 2 सेकंड में इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले इस ट्रिक को जानने से पहले कुछ चीजें हम चेक करते हैं। इसमें क्या चेक करेंगे, 4ac-b² यदि ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर होगा भाई 2 अपॉन, इसी को लिख दीजिए, टेन इनवर्स, ये जो दिया है इसका डेरिवेटिव, मतलब क्या जी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसका डेरिवेटिव, क्लियर है। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। और नीचे में इसी चीज को लिख देना है, ठीक है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखिएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होगा भाई, 2ax + b, और इसी चीज को यहां पर लिख दीजिए। थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आइए न्यूमेरिकली 2-2 सेकंड में सोल्व किया जाए। ये सीख चुके हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं, ठीक है, या लिखना होगा तो आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। और ये क्लियर कब होगा, जब हम लोग 2 एग्जांपल को सोल्व करेंगे तब जाकर ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। आइए अब डायरेक्ट आंसर हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, आइए मिलकर लिखते हैं। इसका 4ac-b² चेक कर दीजिए, 4ac-b² तो कितना हो गया भाई, 4a का वैल्यू तो 1 है तो कितना हो गया भाई, 32। अब b² कितना हुआ, 16, ये इतना आ गया, इसका मतलब है क्या जी, ये पॉजिटिव है। आइए मिलकर डायरेक्ट आंसर लिखा जाए, 2 अपॉन इसका रूट, ओके, टेन इनवर्स इसका डेरिवेटिव, बोलिए एक्स स्क्वायर का, सारे लोग बोलिए एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4, और ये 8 का 0 हो गया तो लिखना जरूरी नहीं है। और नीचे में क्या जी, इसी को लिख दे, हो गया आपका एक स्टेप में आंसर। अब सोल्व करना होगा तो सोल्व कर लीजिए, 16 कितना होगा जी, 4 हो जाएगा, तो 2 अपॉन 4 कितना हुआ, 1/2, ये 4 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए, तो x + 2/2 हो गया, चुटकियों में आपका आंसर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। आइए अब इस क्वेश्चन को हमसे पहले आप लोग बना लीजिए, बोलिए तो मन में ही चेक कर लिए क्या जी, 4ac-b² तो कितना हो गया, 28 हो गया, अब बी स्क्वायर हो गया 25, इसका मतलब 3 तो ग्रेटर देन 0 होता है, क्लियर है। तो आइए आंसर लिखा जाए 2 सेकंड के अंदर, 2 अपॉन जो ये आया है कितना, रूट, क्लियर, टेन इनवर्स, क्या भाई, सारे लोग बोलिए क्या, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, ओके, 5x का 5, और ये 7 का 0 लिखना जरूरी नहीं है, और इसको यहां पर लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन और उसके जस्ट बगल में आंसर हो गया। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, यदि स्ट्रिक से आप कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में आप बता भी सकते हैं या खुद अपना सेल्फ के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं कि 2 सेकंड में कैसे लिख रहे हैं। तो लिखिए dx / x² + 4x + 5, जल्दी लिखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव का इंटीग्रेशन का आपको आंसर जो है 2 सेकंड के अंदर आपको लिख देना है फास्ट, दिक्कत नहीं है। और एक आपको होमवर्क देते हैं, क्लियर भाई? अब इस टाइप के क्वेश्चन को चुटकियों में आप सोल्व कर सकते हैं। दो मैंने बता दिया, दो आप सोल्व कीजिए। अब ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में आप बोल सकते हैं। dx अपॉन 5x² प्लस 6x प्लस लिख लीजिए यहां पर 5, इसका भी 4ac - b² पॉजिटिव है और इसका भी पॉजिटिव है, और आप जस्ट जो है एक स्टेप में आंसर को लिख सकते हैं। तो आपको इसी टाइप का ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट भी आपको मिलते रहेंगे और इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आगे इंटीग्रेशन में और भी मिलेंगे और अदर टॉपिक में भी आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।